हाय एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल, आप देख रहे हैं टेक क्लाउड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 11 फोन की। इस फोन को FCC सर्टिफिकेशन पर लिस्टेड भी कर दिया गया है और उस वेबसाइट पे इसकी डिज़ाइन और कुछ स्पेसिफिकेशन खुल के सामने आ चुके हैं। इस बार ये बताया जा रहा है कि इसका नाम शायद इन्फिनिक्स हॉट 11 नहीं रखा जाए, इसका नाम इन्फिनिक्स हॉट 12 रखा जाए। ये अभी तक लीक्स और रूमर्स हैं। हो सकता है इसको इन्फिनिक्स हॉट 12 के नाम से ही लॉन्च करे ग्लोबली और पाकिस्तान की मार्केट में। आपको पता ही होगा कि इन्फिनिक्स हॉट 10 ने पाकिस्तान की मार्केट में कितनी अच्छी मार्केट की थी, क्योंकि जो इन्फिनिक्स हॉट 10 था अच्छे स्पेक्स के साथ आपको वैल्यू फॉर मनी भी प्रोवाइड कर रहा था। बेसिकली ये जो इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज़ होती है वो उन लोगों या आप उन गेमर्स के लिए कह सकते हैं, उनको टारगेट करती है जिनकी बजट कम होती है और उनको एक अच्छा गेमिंग फ़ोन चाहिए कम प्राइस कैटेगरी में। तो इन्फिनिक्स हॉट जो सीरीज़ होती है वो उनके लिए होती है, क्योंकि अब इन्फिनिक्स हॉट 11 जो है वो भी उनके लिए होने वाला है, क्योंकि इन्फिनिक्स हॉट 11 अब कम प्राइस कैटेगरी में वैल्यू फॉर मनी डिवाइस होने वाली है पाकिस्तान की मार्केट में। अगर हम इन्फिनिक्स हॉट 11 की परफॉर्मेंस की बात करते तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल रहने वाली है, क्योंकि इस पर जो आपको चिपसेट प्रोवाइड किया गया है ना, बहुत ही कमाल प्रोवाइड किया गया है। तो आज की वीडियो में आपको इसकी लॉन्चिंग डेट, प्राइस, जो भी इस फोन की डिटेल्स होने वाले मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें। ताकि मैंने आपको पहले बताया इसकी डिज़ाइन कंफर्म हो चुकी है, तो मैं आपको इसके अब डिज़ाइन के बारे में बताता हूँ। डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि इसकी इस तरह से डिज़ाइन रखी गई है। बैक पे आपको एक ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिल जाता है स्क्वायर शेप में। अब आप देख सकते हैं इसकी कैमरा की डिज़ाइन ऐसी रखी गई है। अगर आप इसके बैक की प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी बैक जो प्लास्टिक में ही आने वाली है। अगर आप इसके फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट इसका वाटर ड्रॉप नोच में आने वाला है। फ्रंट की जो प्रोटेक्शन होगी वो आपको ग्लास में दी गई है। अब वाटर ड्रॉप नोच का मुझे लगता है यार ज़माना चला गया। अगर इन्फिनिक्स इस पर आपको एक पंचोल कैमरा देती तो ये फ़ोन और भी 20 लेवल का हो जाता है। वाटर ड्रॉप नॉच इस प्राइस कैटेगरी में जस्टिफाई करेगा, नहीं कहता कि ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करेगा, जस्टिफाई करेगा। अगर इस पर पंचोल कैमरा होता तो यार ये और इसका प्लस पॉइंट हो जाता। अगर आप इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो इस बार इस पर आपको एक बड़ा डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पे आपको 6.82 इंचेस का एक IPS डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको एक फुल HD+ डिस्प्ले नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको HD+ का डिस्प्ले दिया गया है। इस पर आपको 720 के ही डिस्प्ले पिक्सल्स देखने को मिलेंगे। अगर आप इसके फिंगरप्रिंट की बात करते हैं तो इस पर आपको बैक पे ही फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। अगर आप इसकी लॉन्चिंग डेट की बात करते हैं तो लॉन्चिंग डेट जैसे कोई भी फ़ोन FCC सर्टिफिकेशन पे लिस्टेड होता है तो वो बहुत ही जल्द लॉन्च भी कर दिया जाता है। तो इसको पहले अफ्रीका और इंडोनेशियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और उसके एक हफ़्ते के बाद इसको पाकिस्तान की मार्केट में भी लॉन्च किया जाएगा। अगर मैं आपको एक कटआउट डेट बताऊँ तो 25 अप्रैल या 20 अप्रैल तक हो सकता है इसको अफ्रीका की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद इसको पाकिस्तान की मार्केट में भी लॉन्च किया जाएगा। ये जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ अभी तक एक्सपेक्टेड है, हो सकता है इस डेट से पहले ही ये लॉन्च किए जाएं। अगर मैं आपको इसके कैमरा के बारे में बताऊँ तो कैमरा इस बार हॉट सीरीज़ में बहुत ही इम्प्रूव कर दिया गया है। इस फ़ोन पर आपको 48 ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका जो मेन कैमरा होगा वो आपको 48 मेगापिक्सल तक प्रोवाइड किया गया है। इसका जो दूसरा कैमरा होने वाला है वो भी आपको 8 मेगापिक्सल तक प्रोवाइड किया गया है, वो अल्ट्रा वाइड होगा। इस बार ये इस पर प्लस पॉइंट होने वाला है कि इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज़ में आपको अल्ट्रा वाइड जैसे कैमरा भी देखने को मिलेंगे और वो भी 8 मेगापिक्सल तक। तीसरा कैमरा है वो आपको 2 मेगापिक्सल तक प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक मैक्रो सेंसर होने वाला है। अगर इसके सेल्फी कैमरा की बात करते हैं, कैमरा इसका आपको 8 मेगापिक्सल तक प्रोवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस। इसकी मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है इसकी 20 और 22 के बीच में ही पाकिस्तान की मार्केट में रखी जाएगी। अगर ये इस प्राइस कैटेगरी में आता है तो 20 लेवल का फ़ोन होगा, क्योंकि इस प्राइस कैटेगरी में ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी भी होगा, जस्टिफाई भी करेगा पाकिस्तान की मार्केट में। अगर हम इस फ़ोन की आगे बात करते हैं तो इस फ़ोन के प्लस पॉइंट में आपको बताता चलूं तो ये फ़ोन एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड होगा। इसकी स्टोरेज भी कन्फर्म हो चुकी है, ये स्टोरेज 4GB 64GB के स्टोरेज के साथ आने वाला है। और भी स्टोरेज होंगे लेकिन FCC सर्टिफिकेशन पर अभी एक ही स्टोरेज लिस्टेड कर दी गई है। अगर मैं इसके चिपसेट के बारे में आपको बताऊं तो चिपसेट ये बताया जा रहा है कि इस पर आपको MediaTek G85 का चिपसेट प्रोवाइड किया जाएगा। G85 आप सबको पता है इस प्राइस कैटेगरी में बहुत ही अच्छा चिपसेट होने वाला है और गेमिंग के लिहाज से ये चिपसेट बहुत ही बेहतर होगा। तो इन्फिनिक्स हॉट 11 की जो परफॉर्मेंस होने वाली है बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। ये फ़ोन 18W तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है। ये फ़ोन 18W तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट तो करता है लेकिन इसका माइनस पॉइंट ये है कि इस पर आपको माइक्रो USB प्रोवाइड की गई है।
अगर इनफिनिक्स यहाँ पे हमें टाइप सी दे देता तो बहुत ही अच्छा होता, फोन का एक माइनस पॉइंट होने वाला है। तो ये थे इस फोन के स्पेसिफिकेशन। अगर इसको 22,000 प्राइस कैटेगरी में पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च करती है इनफिनिक्स, तो ये वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है और जस्टिफाई भी करेगी पाकिस्तान की मार्केट में, क्योंकि इस पर आपको परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी। डिस्प्ले तो जस्टिफाई करेगा इस प्राइस कैटेगरी में, और ब्रांड्स भी हमें ऐसे ही डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं। तो आपकी क्या राय इस फोन के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।